चुनाव के पहले सरकार ही बदल डाली। हरियाणा में आज सुबह जिस सरकार के साथ सुबह हुई थी हरियाणा की जनता की, दोपहर होते होते मामला पूरी तरह से पलट गया है। हरियाणा में चंद घंटों के भीतर सरकार बदल गई है। बीजेपी ने मनोहर लाल खट्टर की जगह नायब सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, नायब सैनी ने हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। उनके साथ 5 नए मंत्रियों ने शपथ ली है, कंवरपाल गुर्जर, मूलचंद शर्मा, रंजीत सिंह चौटाला को फिर बनाया गया है मंत्री, जयप्रकाश दलाल फिर से मंत्री बने हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि शपथ ग्रहण समारोह में जेजेपी के भी 4 विधायक मौजूद थे, यानी दुष्यंत चौटाला को न जमीन ही मिली ना मिला फलक, क्योंकि आसमान भी नहीं मिली, अपनी पार्टी भी नहीं संभाल पा रहे हैं। 4 विधायक जाकर बैठ गए थे आज शपथ ग्रहण समारोह में, जबकि मनोहर लाल के साथ उनके गठबंधन की सरकार को बहुत ही बेआबरू करके खत्म कर दिया गया। विधायक दल की बैठक में आज जेजेपी के विधायकों को बुलाया ही नहीं गया, एक तरफा फैसला हो गया। दरअसल हरियाणा में बीजेपी ने जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी की मदद से सरकार बनाई थी, लेकिन जेजेपी ने समर्थन वापस ले लिया, जिसके बाद मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा दिया। विधायकों ने नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री चुन लिया। बीजेपी के 41 विधायकों को निर्दलीय विधायकों ने समर्थन दिया। सरकार फिर से बीजेपी की बन गई। नए सीएम नायब सिंह सैनी ओबीसी वर्ग से आते हैं। हरियाणा के एक बार फिर गैर जाट मुख्यमंत्री मिला है हरियाणा को, और बीजेपी ने ये किया है। भजन लाल के बाद अगर आप देखिए तो जब मनोहर लाल को मुख्यमंत्री बनाया गया था गैर जाट को, तो बहुत इसको अचंभे के साथ देखा जा रहा था, लेकिन उसी रवायत को आगे ले जाकर बीजेपी ने एक बार फिर बना दिया है नायब सिंह सैनी को, जो कि एक बड़े ओबीसी नेता के तौर पर पिछले वर्षों में उभरे हैं। कुरुक्षेत्र से वो सांसद थे, करीबी हैं संघ के दौर में, जब पहली बार दोस्ती हुई थी मनोहर लाल से, उसके बाद से दोनों का बड़ा अच्छा रिश्ता माना जाता है। और शायद ये भी एक वजह है नाराजगी अनिल विज की, 54 साल के हैं, 54 के हैं ये नायब सिंह सैनी, और 70 साल 6 बार से जो विधायक रहे अनिल विज, उनके सामने ही मनोहर लाल के बेहद करीबी को जब मुख्यमंत्री पद के लिए वहां नॉमिनेट किया गया विधायक दल की बैठक में, तो उनकी नाराजगी रही। वो आज इस फंक्शन में भी नहीं आए हैं। अनिल विज की एक पूरी अपनी राजनीति, अगर आप उनको देखें तो वो भी विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए थे एक वक्त पर, बहुत मुखर नेता के तौर पर जाने जाते हैं, गृह मंत्री रहे, अक्सर आपने उनके विवादास्पद बयान देखे होंगे, हिंदुत्व से लेकर गांधी परिवार को घेरने के लिए बहुत मुखर होकर वो कई बार बोलते हैं, और इसीलिए जब आज वो नाराज होकर बैठक से निकले उसके बाद से ही अटकलें तेज थी। और देखिए शपथ ग्रहण समारोह में भी वो शामिल नहीं हुए। बहरहाल हरियाणा के 58 साल के इतिहास में 33 साल तक जाट मुख्यमंत्री रहे। हम आपको दिखाते हैं कि कौन कौन से जाट सीएम रहे। हुकुम सिंह, देवीलाल, बंसीलाल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ओपी चौटाला वो सीएम है जिन्होंने 25% जाट वर्ग का प्रतिनिधित्व किया है। ये तमाम चेहरे हम आपको दिखा रहे हैं जो अब तक जाट मुख्यमंत्री लगभग 33 साल तक वहां पर रहे हैं, 58 सालों से हरियाणा के इतिहास में। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसा वर्चस्व है, 1/4 है जाट हरियाणा में। ऐसे में हमेशा उनको खुश रखने के लिए पार्टियां एक जाट को ही सीएम बनाती थी, या फिर यूं कहिए कि जाट नेता वहां ज्यादा लोकप्रिय हो जाता था। हम आपको गैर जाट मुख्यमंत्रियों के बारे में भी बताते हैं। हरियाणा के सीएम भगवत दयाल शर्मा ब्राह्मण जाति से। हरियाणा में करीब 7.5% आबादी ब्राह्मणों की है। राव वीरेंद्र सिंह अहिर जाति से थे, अहिरों की आबादी करीब 5% है। बनारसी दास गुप्ता वैश्य थे जिनकी आबादी करीब 5% है। भजन लाल वो ब्राह्मण थे और सबसे ज्यादा जो लोकप्रिय और बड़े नाम थे उनमें उनका नाम आता है। मनोहर लाल पंजाबी वर्ग से थे, हरियाणा में पंजाबी 8% के आसपास है। अब सैनी वर्ग से सीएम बनाए गए हैं जिसकी आबादी हरियाणा में करीब 3% है, लेकिन यह माना जाता है कि पूरे ओबीसी वर्ग को प्रतिनिधित्व मिलता है अगर सैनी समाज से किसी को सीएम बनाएगा, और यही शायद बीजेपी की भी मंशा होगी। हम आपको दिखाते हैं कि कहां कहां बीजेपी ने चुनाव से एन पहले सीएम बदल डाला और नतीजा क्या रहा। ये बाजी जबरदस्त चली थी 2022 में, जब गुजरात में विजय रूपाणी की जगह भूपेंद्र पटेल को सीएम बनाया गया। माना जाता है कि इसी के साथ जो पूरा का पूरा जनता का गुस्सा या फिर एंटी इनकम्बेंसी कहिए विजय रूपाणी के खिलाफ, वो पूरी तरह से पलटने में बीजेपी कामयाब रही और 99 सीटें जो आई थी वो सीधा 156 पर बीजेपी की परफॉर्मेंस चल गई। 65 सीटों का फायदा हो गया था 2022 के चुनावों में जब भूपेंद्र पटेल वहां पर
बने थे। अब बात 2022 में उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत की करते हैं, जहां उनकी जगह पुष्कर सिंह धामी को सीएम बनाया गया, बीजेपी ने जीत हासिल की। 2023 में देखिए त्रिपुरा में बिप्लव देव की जगह माणिक शाह को सीएम बनाया गया और बीजेपी वहां पर जीत गई। लेकिन इसी साल कर्नाटक में बीजेपी का ये दांव नहीं चल पाया, येदुरप्पा की जगह बासवराज बोम्मई को सीएम बनाया गया था, हालांकि वो थोड़ा पहले ही बनाए गए थे। लेकिन बासवराज बोम्मई को जिस तरह से विपक्ष ने घेरा, उनके खिलाफ बहुत ज्यादा लोगों का गुस्सा बन गया और इसकी वजह से बीजेपी वहां हार गई। तो क्या हरियाणा में भी बीजेपी ने सीएम इसलिए बदला ताकि एंटी इनकम्बेंसी जो फैक्टर है उसको बैलेंस किया जा सके, या फिर वाकई जेजेपी को सरकार से बाहर करना था इसलिए सरकार बदली? और अगर सरकार इसलिए बदली तो फिर मनोहर लाल को बदलने की क्या जरूरत थी? क्या सीएम बदलना लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की एक बड़ी रणनीति बन चुकी है, खासतौर पर ऐसे राज्यों में जहां पर उन्हें ऐसा लगता है कि लोगों का गुस्सा उस मुख्यमंत्री की तरफ ज्यादा है, बीजेपी की तरफ कम? मैं नारायण सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। लोकसभा चुनाव से चंद दिनों पहले हरियाणा में सरकार की सूरत बदल गई। नायब सैनी मुख्यमंत्री बन गए और मनोहर लाल कुर्सी से बेदखल कर दिए गए। नायब सैनी का मुख्यमंत्री बनना ये साफ करता है कि बीजेपी ने हरियाणा के करीब 21% ओबीसी वोट बैंक पर नजर गड़ा रखी है। मनोहर लाल समेत पूरी सरकार की विदाई का मतलब ये भी है कि पार्टी को शायद इस बात का अंदाजा था कि जनता नाराज है और एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर से नुकसान हो सकता है। जो हरियाणा में जो सब हो रहा है वो हरियाणा के जन भावना के दबाव में हो रहा है, और हरियाणा की जन भावना, जनता ने मन परिवर्तन का बना लिया है। हर वर्ग इस सरकार से नाराज है, निराश है। ये नेतृत्व परिवर्तन की जरूरत क्यों पड़ी, मुख्यमंत्री जी को क्यों हटाया गया? ये एक प्रक्रिया, हटाया नहीं गया। आप हटाया शब्द आप बोल रहे हैं, और हो सकता है इसमें मुख्यमंत्री जी का ही आशीर्वाद हो, मुख्यमंत्री जी की ही इच्छा हो, इस बात को तो आप इंटरनल नहीं जानते। यहाँ हटाने वाला बात नहीं। हरियाणा में सरकार बदलने की नौबत तब आई जब जेजेपी ने गठबंधन से हाथ खींच लिया। कहा यह जा रहा है कि दुष्यंत चौटाला लोकसभा चुनाव में 2 सीटों की मांग कर रहे थे, लेकिन बीजेपी सभी 10 सीटों पर लड़ना चाह रही थी। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि जाट वोट बांटने के लिए दोनों पार्टियों में गुप्त समझौता हुआ है कि बेवफाई हो गई। गठबंधन नहीं, ठगबंधन था ये, कोई नैतिक आधार पे गठबंधन नहीं था। मैं कह चुका और ये हमारे को पहले पता था, मैं कह चुका था कि समझौता हो चुका था इनका गठबंधन होने का, लोगों की आंख में धूल झोंकने के लिए। जनता समझ चुकी है कि तुमने एक मकसद को लेकर चुनाव लड़ा था और एक मकसद को लेकर गठबंधन बात कर किया और एक मकसद को लेकर आज आप इस गठबंधन को तोड़ रहे हैं। हरियाणा की जनता को पूरा ना समझे। दरअसल हाल ही में बृजेंद्र सिंह बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए, जिसके बाद जाटों के कांग्रेस में जाने का खतरा मंडरा रहा था। ऊपर से 10 साल की सरकार विरोधी लहर, शायद दोनों फैक्टर्स को बैलेंस करने के लिए बीजेपी ने गुजरात समेत कई राज्यों में ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला आजमाया, सरकार ही बदल डाली। कोई भाजपा का कार्यकर्ता या नेता, छोटा हो या बड़ा हो, इस गठबंधन के पक्ष में नहीं था, लेकिन इन चीजों को अनसुना किया गया। और अनसुना भी मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि मानते सब थे, लेकिन इस पर काम या कार्रवाई कभी नहीं की गई, इसको हमेशा टालते रहे, क्योंकि जैसे मैंने कहा सुविधा का गठबंधन था। दिलचस्प ये कि करीब 24 घंटे पहले प्रधानमंत्री ने मनोहर लाल खट्टर के कामों की जमकर तारीफ की थी। हरियाणा के विकास के लिए जिस तरह मनोहर लाल जी दिन रात काम करते रहे हैं, उसने राज्य में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बड़ा नेटवर्क तैयार कर दिया है। अब कहा जा रहा है कि मनोहर लाल खट्टर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन देखने वाली बात होगी कि सीएम की कुर्सी पर उनकी कुर्बानी से पार्टी को फायदा होता है या नहीं। आज तक ब्यूरो।